press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान में नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियों का मुद्दा आज विधानसभा में उठाया गया। जनता से टैक्स लेने के बावजूद अब तक टूटी सड़कों को लेकर क्या कार्यवाही की गई, इसका जवाब राजस्थान विधानसभा में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान नहीं दे पाए। प्रश्नकाल में कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा ने सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनियां टोल तो वसूल कर लेती हैं, लेकिन वक्त पर टूटी सड़कों पर ध्यान नहीं देती और ना ही नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं को लेकर कोई कदम उठाया जाता है। इसके अलावा हाईवे पर मौजूद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी नहीं उपलब्ध होते, जिससे सड़क हादसों में घायलों को जल्द उचित उपचार नहीं मिल पाता। इस प्रश्न के जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने कहा कि यह बात सही है कि टोल कंपनियां वक्त पर सड़कों की मरम्मत नहीं करती, लेकिन यह नेशनल हाईवे का मामला है और केंद्र सरकार के अधीन यह कंपनियां आती हैं। इनके खिलाफ समय समय पर जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन मंत्री का यह भी कहना था कि अभी विभाग के पास यह सूचना नहीं है कि अब तक कितना जुर्माना वसूला गया और किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई। इस जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं हो पाए।